जय माता दी दोस्तों, WBL ऑक्शन हो गया है खत्म। किसी के घर आज मिठाइयां बट रही हैं तो किसी को मिले हैं थोड़े गम के आंसू। बड़ी कहानियों की बात करें तो वृंदा दिनेश 1 करोड़ 30 लाख में बिकी हैं, तो बिकी हैं 2 करोड़ में काशवी गौतम। विदेशी खिलाड़ियों में अनाबिल सदरलैंड की लॉटरी लगी है तो चमारी अता बट्टू को फिर से किसी ने नहीं खरीदा है। क्यों नहीं खरीदा भाई, उस कारण पे भी चर्चा होगी। और उसके अलावा आप के साथ मैं साझा करूंगा सारी की सारी WPL स्क्वाड्स की अब कैसी दिख रही है टीमें, उनका सोच एनालिसिस करेंगे कौन सी टीम कहां मजबूत है कहां कमजोर है। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है लेकिन बहुत एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव रहेगा, तो देखिएगा जरूर। और साथ में बनाएंगे प्लेइंग 11 भी, तो देखते जाइएगा आगे आगे होता है क्या। सबसे पहले बड़ी कहानियों की बात कर लेते हैं। काशवी गौतम 2 करोड़, क्या बिडिंग वार चला। यूपी वॉरियर्स चाह रहे थे हम ले जाएं, RCB 65 लाख तक उनके पीछे गया और फिर ज्वाइन कर लिया वो गुजरात जायंट्स ने, और फाइनली गुजरात जायंट्स उनको 2 करोड़ रुपए में लेकर गए। काशवी के नाम बड़ी खासी उपलब्धियां हैं, जैसे एक इनिंग में वनडे मैच में 10 विकेट भी ले चुकी हैं, हैट्रिक लगा चुकी हैं। और हैट्रिक तो उन्होंने अभी इंटर वुमेन T20 जो हुआ था, इंटर जोनल वुमेन T20 जो हुआ था उसमें भी लिया था। और स्विंग करा सकती हूँ, यॉर्कर डाल सकती हूँ, उसके अलावा रन्स बना सकती हूँ। और हाँ, पढ़ाई में भी अव्वल है। मैं देख रहा था उनकी माताजी का इंटरव्यू, उनके पिताजी का, तो उनकी माताजी कह रही थी कि पढ़ने में भी बड़ी होशियार है हमारी बेटी, 90% से कम नंबर नहीं आए कभी उसके। तो सोचो भैया, कोई 2 करोड़ क्यों ना देगा उनको, बिल्कुल देगा। दूसरी जो भारत के लिए अनकैप्ड प्लेयर्स की कैटेगरी में बात करें या अनकैप्ड बैटर की कैटेगरी में बात करें तो वृंदा दिनेश 1 करोड़ 30 लाख रुपए में गई हैं, वो भी। और क्या ही गई हैं यार, मतलब ऐसे पीछे पड़ी टीम सुन के कि भाई लेकर ही जाना है एनी हाउ। और क्यों लेकर जाना है, क्योंकि जब वो कवर से शॉट लगाती हैं, जब वो पेसर्स को ऊपर से मारती हैं तो दिल से निकलता है, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल, जस्ट फीलिंग लाइक वाओ। तो ये कहानी थी इनकी, तीसरी कहानी अनाबेल सदरलैंड की। अनाबेल सदरलैंड का BBL अभी काफी अच्छा गया था, पिछले साल भी अच्छे प्राइस पे खरीदी गई थी लेकिन रिलीज कर दी गई थी क्योंकि परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं था। गुजरात ने रिलीज किया था, दिल्ली ने खरीद लिया है 2 करोड़ रुपए में। एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड था वो हुआ चमारी अतापट्टू के साथ। पिछले साल भी नहीं खरीदी गई थी, इस साल फिर से नहीं खरीदी गई है यार। बड़े दुख की बात है कि अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से 4 दिन पहले, बिग बैश वुमन की पहले प्लेयर ऑफ द सीरीज थी चमारी अत्तापट्टू। खूब सारे रन्स बनाए, ढेर सारे विकेट लिए, उसके बावजूद भी IPL में किसी ने लिया ही नहीं। इंडियन पिचेस पे एक प्लेयर जो स्पिन डाल लेता है, जो ओपनिंग कर सकता है, जो तेजी से रन बना सकता है, उसको आप ले नहीं रहे, क्यों भाई, कैन नॉट से। उसके अलावा डायंड्रा डॉटिन की भी चर्चा है, हालांकि डायंड्रा का मेरे को पहले से थोड़ा आभास था कि ये नहीं खरीदी जाएंगी, वैसा ही हुआ। दूसरा सरप्राइज मेरे लिए रहा अमांडा जेड वेलिंगटन, किसी ने नहीं लिया यार, जबकि लीडिंग विकेट टेकर्स में थी अभी बिग बैश के फाइनल में। अंडर प्रेशर क्या ओवर डाला था, क्या विकेट्स निकाले थे, मुझे लग रहा था यार ऐसा प्लेयर तो सबको चाहिए। ओवरसीज स्लॉट शायद कम पड़ गए होंगे इसलिए उनको नहीं लिया गया। तो ये बड़ी स्टोरीज थी। अब आते हैं स्क्वाड्स पे। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के स्क्वाड्स की। जो प्लेयर इन्होंने रिटेन किए थे वो आपकी स्क्रीन पर है। यस्तिका भाटिया को इन्होंने रिटेन किया था, हरमनप्रीत कौर, अमेलिया कैर, कोली ट्रायन, हेली मैथ्यूज, उमायरा काजी, जिंती मणि कलिता, नेट स्काइवर, प्रियंका बाला, अमनजोत कौर, इजी वोंग, पूजा वस्त्रकर और सायका ऐसा। एक्चुअली इन्होंने अपना पूरा जो कोर था, या कहिए कि फर्स्ट चॉइस 11 जो था उसको रिटेन किया था। लेके किसका आए, किसको आए ये ऑक्शन में, अमनदीप कौर को लेकर आए, ये लेकर आए सजीवनी सजना को, ये लेकर आए कृष्णम बालाकृष्णन को, ये लेकर आए शबनम इस्माइल को और फातिमा जाफर को। बड़ी जो बाई रही वो रही शबनम इस्माइल की, जिसको इन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। और उससे जो नई बाई आई है, मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ शबनम इस्माइल एक ऐसी बाई रहेंगी जो क्या रहेगा कि प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। और क्यों लग रहा है देख लेते हैं। मुंबई का जो प्लेइंग 11 बन रहा है वो क्या बन रहा है, यस्तिका भाटिया खेलेंगी जरूर, विकेट कीपिंग करेंगी, ओपनिंग करेंगी, और उनके साथ हीली मैथ्यूज, नेट स्काइवर, हरमनप्रीत कौर और आपका उनके बाद अमेलिया कैर। टॉप 5 इनका पिछले सीजन वाला ही रहेगा, टॉप 6 इवन कहिएगा पूजा वस्त्रकर के साथ।
अब सातवें नंबर पे अमनजोत कौर, लेकिन कब, तब कि अगर इजी बॉम की जगह सबनिम इस्माइल को फर्स्ट इलेवन में ये लेकर आते हैं तो। अगर इजी बॉम के साथ जाते हैं तो फिर इजी बॉम इस नंबर पे बैटिंग करने आएंगी, अदरवाइज ये। लेकिन सबनम इस्माइल को लिया है तो मुझे लग रहा है कि इजी बॉम से थोड़ी बेटर बॉलर सबनम इस्माइल है, तो सबनम इस्माइल को ये प्लेइंग इलेवन में खिलाएंगे। अमनजोत कौर, जिंती मनी कैता, हुमायरा काजी, सबनम इस्माइल और साइका इसाक के साथ ये टीम बनेगी। पेस ऑप्शंस की बात करोगे आप तो नेट स्काइवर हैं इनके पास, इनके पास अमनजोत कौर हैं, इनके पास सबनम इस्माइल हैं, स्पिन ऑप्शंस की और पूजा वस्त्रकर भी हैं। स्पिन ऑप्शंस की बात करोगे तो साइका इसाक हैं, जिंती मनी कलिता हैं, अमेलिया कैर हैं और हैं हीली मैथ्यूज। मतलब इस टीम के पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत सारे हैं, 7-8 बैटिंग बॉलिंग ऑप्शंस हैं और हरमनप्रीत कौर हैं। बिग बैश में जब जब जाती हैं हमेशा बॉल करती हैं, विकेट लेती हैं, पता नहीं क्यों जब यहाँ आती हैं तो बॉलिंग ही नहीं करती हैं, डोंट नो व्हाई। दूसरी टीम जो आज की है वो है दिल्ली चैंपियन, चैंपियन के बाद रनर्स अप। दिल्ली ने भी अपनी पूरी टीम रिटेन की थी, 15 प्लेयर इन्होंने रिटेन करे थे, बहुत ज्यादा ड्रॉप किए नहीं थे। लैनिंग, रोड्रिक्स, लॉरा हैरिस, तमन्ना भाटिया, तानिया भाटिया, एक्चुअली तमन्ना भाटिया इज हीरोइन, एलिस कैप्सी, अरुंधति रेड्डी, जेस जोनासन, मार्जन कैप, मिन्नू मानी, राधा यादव, सफाली वर्मा, शिखा पांडे, स्नेहा दीप्ति, देन टिटास साधु और उसके बाद पूनम यादव। अब इन्होंने जो खरीदा तीन भाई, एक तो अनाबिल सदरलैंड, उसके बाद बेस प्राइस पे किसको खरीदा, मंडल को खरीदा और खरीदा इन्होंने अश्विनी कुमारी को। मंडल इनकी कह सकते हैं रिजर्व विकेट कीपर है, अगर जरूरत पड़ी तानिया भाटिया को कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो अपना मंडल जो है वो क्या करेंगी, वो स्टेप इन कर जाएंगी। बस अश्विनी कुमारी को और ले लिया कि 18 का स्कोर चलो बन जाता है, इसलिए बाकी प्लेइंग 11 में अनाबिल सदरलैंड की जगह जरूर बनेगी, उसके अलावा नहीं बनेगी। और इनके पास क्या ही प्लेयर है, टॉप ओवरसीज सिक्स में से कौन मिस करेंगे ये बड़ी बात है, दो प्लेयर्स को बिठाना बहुत बड़ी बात है। सफाली वर्मा ओपन करेंगे उनके साथ कप्तान मैग लैनिंग, तीन नंबर जोमा रोड्रिक्स को जाएगा, चार जाएगा अनाबिल सदरलैंड को, यही खेलती है इसी पोजीशन पे और बहुत सूट भी करेगी उनको पोजीशन। और मार्जन कैप, छह नंबर जेस जोनासन। अब इसका टॉप सिक्स अगर आप दिल्ली का देखेंगे तो टॉप सिक्स में आपको 12 ओवर भी दिखेंगे और 6 बैटर्स भी। 7 नंबर पे तानिया भाटिया, 8 पे आ जाएंगे राधा यादव, उसके बाद मिन्नू मानी, शिखा पांडे और पूनम यादव। अगर देखें तो ऑलमोस्ट 10 नंबर तक इनके पास बैटिंग है, शिखा पांडे तक बैटिंग है। बॉलिंग ऑप्शंस की बात करो पेसर्स की तो अनाबिल सदरलैंड, मार्जन कैप, उसके बाद शिखा पांडे, तीन पेसर्स हो गए, पूनम यादव, मिन्नू मानी, राधा यादव तीन और जेस जोनासन चार स्पिन ऑप्शन हो गए। मतलब 7 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास भी हैं और जरूरत पड़े तो सफाली वर्मा भी। तो ओवरऑल ये टीम भी बहुत अच्छी, बिल्कुल मुंबई की तरह ही लग रही है। तीसरी टीम आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, स्मृति मंधना की टीम। पिछले साल भी पेपर पे मजबूत थी, इस बार क्या बदलाव हुए हैं, जो रिटेन्ड प्लेयर थे वो इनके आपको आपकी स्क्रीन पर है, ऋचा घोष, स्मृति मंधना, आशा सोबाना, दिशा कसात, एलिस पैरी, हेदर नाइट, इंद्रानी रॉय, कनिका आहूजा, श्रेयंका पाटिल, सोफी डिवाइन और रेणुका ठाकुर सिंह। अब इसमें बदलाव क्या हुए, 7 प्लेयर्स को इन्होंने खरीदा है। किसको खरीदा है, सबवेनी मेघना को खरीदा है, गुजरात में थी इस बार यहां आ गई हैं। जॉर्जिया वारेहाम को डेब्यू करने का मौका मिल रहा है, सोफी मोलिनो को भी मौका मिल रहा है WPL में डेब्यू करने का, एस सतीश डेब्यू, सिमरन दिल बहादुर, पिछले साल इनको किसी ने नहीं खरीदा था, इस बार खरीदा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, सी डिजर्व इट। केट क्रॉस, इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, केट क्रॉस CSK के लिए जान देती थी, इनकी बेस्ट फ्रेंड एलेक्जा हटले वो RCB को जान देती थी, ट्विटर पे हमेशा इनका बेंटर चलता था रहता था RCB वर्सेस CSK, लेकिन RCB ने केट क्रॉस को खरीद लिया और ये चीज ट्विटर पे काफी वायरल भी हो रही है, बहुत सारे मीम्स भी इसके बन रहे हैं कि अरे केट क्रॉस इन RCB, वाओ। हाँ, तो उसके बाद एकता बिष्ट, अनुभवी एकता बिष्ट, जो अभी डिस्कार्डेड इंडियन है लेकिन इंडिया के लिए बहुत खेली है, मिताली की कप्तानी में बड़ी अच्छी स्पिनर है, अभी इंटर जोनल जो T20 हुआ है उसमें भी लीडिंग विकेट टेकर्स में है, जिसकी वजह से 60 लाख में इनको खरीदा गया। प्लेइंग 11 की जहां तक बात है, स्मृति मंधना, सोफी डिवाइन, एलिस पैरी, हेदर नाइट, ऋचा घोष, जॉर्ज वारेहाम, यहां तक भी देखें तो इनके पास भी डिवाइन, पैरी और वारेहाम, तीनों ऑलराउंडर इनके पास भी हैं जो 12 ओवर डाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे टॉप सिक्स में। फिर कनिका आहूजा, रेणुका ठाकुर, एकता बिष्ट, श्रेयंका पाटिल और आशा सोबना। बॉलिंग अटैक कहीं से भी कमजोर नहीं है। पेस ऑप्शंस की बात करो तो सोफी डिवाइन, एलिस पैरी 2, जॉर्ज वारेहाम 3, उसके बाद रेणुका ठाकुर और बस यही पेसर्स हैं। लेकिन स्पिन ऑप्शंस इनके पास बहुत सारे, आशा सोबना लेग स्पिनर, श्रेयंका पाटिल लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर एकता बिष्ट 3, कनिका आहूजा 4, तो इनके पास भी टॉप 11 में, या मतलब प्लेइंग 11 में, सॉरी,
सात बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास भी हैं, तीन पेस चार स्पिन, और स्पिन हैवी सारी टीम पता गई है, पता नहीं क्यों तब भी यार रमांडा जेड वेलिंगटन को किसी ने नहीं खरीदा, बड़ी दुख की बात है। आते हैं यूपी की टीम पे, यूपी वॉरियर्स। क्या है यूपी वॉरियर्स? तो यूपी वॉरियर्स ने भी पांच प्लेयर्स को लिया, क्योंकि 13 प्लेयर्स को रिटेन करके गए थे, किरण नावगिरे, एलिस हीली, अंजलि सरवानी, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, लक्ष्मी यादव, परस्वी चोपड़ा, एस यशस्वी, श्वेता शेरावत, तालिया मैग्रात, उसके बाद लॉरेन बेल, राजेश्वरी गायकवाड़ और सोफिया क्लस्टन तो रिटेन्ड थी। जो प्लेयर रिटेन्ड नहीं थे उनकी या जिनको रिलीज कर दिया गया था, पांच स्पॉट खाली थे, पांच के पांच भर लिए। डैनी वॉट को 30 लाख में खरीद लिया इन्होंने, ये एक स्टील था, किसी ने बोली नहीं लगाई, वो लेके चले गए। अब प्लेइंग 11 में खेलेंगे नहीं खेलेंगे आगे देखते हैं। वृंदा दिनेश, बड़ी कहानी आज की, 1,30,00,000 की वाई इन्होंने खरीदी वृंदा दिनेश। पूनम खेमनार आरसीबी में थी, इस बार यहां आ गई हैं, और साइगा ठाकुर को डेब्यू करने का मौका मिल रहा है, और गौहर सुल्ताना बड़े लंबे टाइम के बाद कहीं किसी लेवल पे खेलती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आते हैं प्लेइंग 11 पे, यूपी की प्लेइंग 11 एलिस हीली के साथ मेरे हिसाब से ओपन कराना चाहिए ग्रेस हैरिस को, हो सकता है किरण नावगिरे से ओपनिंग ओपन कराएं, हो सकता है श्वेता शेरावत से कराएं, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं ग्रेस हैरिस और एलिस हीली की जोड़ी ओपन करें। ग्रेस हैरिस अभी कहां बीबीएल में भी ओपन कर रही थी, तो यही खिलाना चाहिए ताकि एकदम से फायर मार दो आप ओपनिंग में ही, और गहराई आपको बैटिंग में मिल जाएगी। तीन पे वृंदा दिनेश खेले, चार पे खेले तहलिया मैग्रात, पांच पे किरण नावगिरे फिनिशिंग स्किल, छह पे दीप्ति शर्मा, सात पे सरवानी। अब आप सोचें कि हमें पीछे एक फेयरी प्लेयर चाहिए, तो वो अलग बात है कि फिर आप किरण नावगिरे को ऊपर और ग्रेस हैरिस को नीचे ले जाएं। सरवानी के बाद एक्लेस्टन है, बल्लेबाजी ये भी कर लेती है, फिर राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम खेमनार और गौहर सुल्ताना। पेस ऑप्शन की अगर इस टीम में आप बात करेंगे तो तहलिया मैग्रात है जो पेस करा लेती है, अंजलि सरवानी। अब एक्चुअली क्या है, इस टीम ने जितने ऑप्शंस हैं, पूनम खेमनार जितने ऑप्शंस हैं, जी तीन ही ऑप्शन इनके पास है पेस कराने का। स्पिन है भी गई है ये टीम, तो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि भाई स्पिन चलेगा, स्पिन चलेगा, तो पिछले सीजन भी इनकी स्ट्रेंथ स्पिन ही थी, इसीलिए खेमनार, आपका सरवानी और तहलिया मैग्रात तीन इनके पेसर है। बाकी स्पिन ऑप्शन पर गौर सुल्ताना है, राजेश्वरी गायकवाड़, सोफी एक्लेस्टन है, दीप्ति शर्मा है, और जरूरत पड़े तो ग्रेस हैरिस भी है। तो बॉलिंग ऑप्शंस की कमी नहीं है, टीम बढ़िया ऑलराउंड है, बस पेस में थोड़ा कमजोर यूपी पड़ रही है। अगली टीम और आखिरी टीम गुजरात जायंट्स, इनको खरीदने थे सबसे ज्यादा प्लेयर, क्योंकि इन्होंने तो अपनी टीम ही खत्म कर दी थी, 18 में से 10 प्लेयर इन्होंने रिलीज किए थे, सिर्फ 8 प्लेयर को रिटेन किया था। कौन थे रिटेंशन? लॉरा बुलवर्ड थी, बेथ मूनी थी, गार्डनर थी, हिमलता थी, हरलीन थी, शकील थी, स्नेह राणा थी, और थी तनुजा कंवर। जिनको खरीदा वो कौन है? वेदा कृष्णमूर्ति। आई लव वेदा, आई रियली लव वेदा यार, बहुत अच्छी लगती है, क्रश भी है मेरा, और उसके अलावा प्लेयर तो वाह वाह वाह। हरमनप्रीत कौर के जो वो एक जिस 171 की सब लोग बात करते हैं ना, उसमें जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर टिकी रही थी वो वेदा कृष्णमूर्ति थी। आई रियली रियली लाइक हिम, रियली लाइक हर हिम, नहीं मेरा टेस्ट चेंज नहीं है। खैर हाँ, तो वेदा कृष्णमूर्ति वापस आ गई, और पता है बहुत बढ़िया था, स्टूडियो में बैठी थी रीमा मल्होत्रा, उनकी दोस्त है रीमा, बहुत पिचिंग पिचिंग पिचिंग, वेदा को लो वेदा को लो वेदा को लो, और गई किसकी टीम में? मिताली की टीम में। मिताली और वेदा की भी दोस्ती बड़ी अच्छी, और वेदा और रीमा की भी दोस्ती बड़ी अच्छी, ये ट्रायंगल मेरे को बड़ा पसंद आया। उसके बाद फीवी लिचफील्ड को लिया इन्होंने, सबसे पहले 1 करोड़ में इन्होंने खरीदा था। त्रिषा पुजीता को लिया इन्होंने, मेघना सिंह को, नोएडा की लड़की आ गई है यार अपनी, बहुत बढ़िया बात है, पिछले सीजन इनको नहीं लिया था, अभी यंग कैरियर है, बड़ा डिसअपॉइंट वो तो हुई थी, मेरे को भी एज ए फैन थोड़ा लगा कर यार लेनी चाहिए थी, आ गई, आज भी मैं राम राम बज रहा था कि बस यार ले लेना, और बंदी आ गई। काशवी गौतम सबसे बड़ी पिक आज की डेट की, क्या ही खेलती है और क्या ही खेलेगी, ये तो टाइम बताएगा, खेलती हमने देखा है, खेलेगी क्या ये टाइम बताएगा, लेकिन ऑक्शन ने उम्मीदें बहुत सारी लगा दी हैं। उसके बाद कैथरीन ब्रायस, स्कॉटलैंड की प्लेयर, एकमात्र एसोसिएट प्लेयर, पिछले सीजन टारा नॉरिस थी, इस बार कैथरीन ब्रायस है, और बहुत अच्छी ऑप्शन है। मन्नत कश्यप को लिया, तरन्नुम पठान को लिया, प्रिया मिश्रा को लिया, और लॉरेंस चैटल को लिया, ये बनी गुजरात की स्क्वाड। प्लेइंग 11 की बात करें तो बेथ मूनी के साथ इनिशियल मैचेज में मुझे लग रहा है कि लॉरा बुलवार्ट ओपन करेंगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीवी लिचफील्ड को आपने 1 करोड़ में लिया है, बावजूद उसके उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही है। अगर लॉरा बुलवार्ट अच्छा नहीं कर पाती है तभी फीवी लिचफील्ड इस टीम का हिस्सा बन पाएंगी। 3 नंबर हरलिन देओल, 4 नंबर खेलेंगी एसले गार्डनर, 5 पे वेदा कृष्णमूर्ति, मोस्ट लाइकली सी शुड प्ले, 6 नंबर पे
कैथरीन ब्राइस, 7 पे दयालन हेमलता, 8 पे स्नेह राणा, फिर काशवी गौतम, मन्नत कश्यप और मेघना सिंह के साथ ये प्लेइंग 11 हो जाएगा पूरा। और आपको बताऊं, मेघना और स्नेह की दोस्ती भी बड़ी अच्छी है। मैं इंस्टा पे, ट्विटर पे इनकी देखता रहता हूँ पोस्ट बहुत सारी, इनकी भी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो दोनों दोस्त एक ही टीम में। पेस ऑप्शंस की बात करें इस टीम में, तो मेघना सिंह है, काशवी गौतम है, कैथरीन प्राइस है, 3 पेस। स्पिन ऑप्शंस की बात करें, हरलीन देओल, एसले गार्डनर 2, दयालन हेमलता 3, स्नेह राणा 4, मन्नत कश्यप 5। तो स्पिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अच्छी बात क्या है, आपने एक कॉमन बात देखी कि इन पांचों टीम्स में हर टीम के जो प्लेइंग 11 बनता है उसमें कम से कम 7-7, 8-8 बॉलिंग ऑप्शन बन रहे हैं। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि पेस ऑप्शंस कम, स्पिन ऑप्शंस ज्यादा हैं। तो क्या हम ये मान के चलें कि पिचेस की डिमांड थोड़ी टर्निंग होगी? ये तो समय बताएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा चैनल पे प्रेडिक्शन, प्रीव्यू और एनालिसिस के लिए, क्योंकि वो वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं। 19 सितंबर को हो रहा है मेंस वाला भी ऑक्शन, तो उससे पहले और उसके बाद भी हम वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी। और हाँ, जाते जाते कमेंट करके बताना अगर आपकी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव है, तो आपके हिसाब से कोई बदलाव है तो बता दीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, चलते रहिए, टाटा बाय बाय।